सो वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि रियलमी नोट 50 मोबाइल में आप फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हो तो किस तरीके से अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन में सबसे पहले सेटिंग ओपन कर लेना है। जैसे ही सेटिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट का, तो इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीनों में से किसी एक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर अपना बटन डाल देना है, जो भी आपका बटन रखना चाहते हो। उसके बाद फिर से आपको कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद अब यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों अब अपने फ़ोन में फिंगर को स्कैन कराना है। तो इसे तब तक स्कैन कराना है तब तक ये पूरी तरह जो है शो ना करने लगे। तो फिंगर को हम घुमा घुमा के स्कैन करा लेते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपको भी स्कैन करा लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों फिंगर स्कैन हो चुका है, नीचे डन का ऑप्शन आ गया है, डन कर देना है। अब यहाँ पर आपके फ़ोन में जो है फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। दोस्तों इस तरीके से अपने वॉल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाएंगे।